garden pea plant. Contrasting. Characters in garden pea. ठीक है, एक चार्ट बनाना है. सीरियल नंबर, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, डोमिनेंट एंड रिसेसिव. डोमिनेंट एंड रिसेसिव. ओके, कितने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर? 7. ठीक है. फर्स्ट, हाइट ऑफ स्टेम. हाइट ऑफ स्टेम सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, जो कि आपके 10th में बुक में गया था, टॉल एंड डॉर्फ, दैट इज, और टॉल एंड शॉर्ट भी आप इसे बोल सकते हो. हाइट ऑफ स्टेम ये फर्स्ट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है. दूसरा, सीड कलर, सीड शेप. पॉड कलर, पॉड शेप. ठीक है, फ्लावर कलर एंड फ्लावर की पोजीशन. ठीक है, ओके. तो ये ध्यान में कैसे रखना है, हाइट का एक कैरेक्टर है, सीड के दो कैरेक्टर्स हैं, पॉड के दो, फ्लावर के दो, ऐसे टोटल कितने हुए? 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. हाइट का एक, सीड के दो, पॉड के दो एंड फ्लावर के दो. ठीक है, नेक्स्ट, सीड का कलर, सीड का शेप. पॉड का कलर, पॉड का शेप. फ्लावर का कलर एंड फ्लावर का शेप नहीं, फ्लावर की पोजिशन, फ्लावर की पोजिशन. ओके, हाइट ऑफ स्टेम में उन्होंने दो हाइट्स लिए हैं, एक टॉल और दूसरा शॉर्ट भी लिख सकते हो, और यहां आप लिख सकते हो डॉर्फ और शॉर्ट, मतलब कम हाइटेड. सीड कलर कौन सा था? करेक्ट, येलो एंड ग्रीन. करेक्ट. सीड शेप, करेक्ट, राउंड एंड रिंकल. पॉड का कलर, करेक्ट, ग्रीन एंड येलो, ग्रीन एंड येलो. पॉड का शेप, इन फ्लैटनड एंड कंस्ट्रिक्टेड. लिख लीजिए, एक्सप्लेन करूंगी, इन फ्लैटनड एंड कंस्ट्रिक्टेड. फ्लावर का कलर, कलर फ्लावर एंड कलरलेस और व्हाइट कलर के फ्लावर आप यहां बोल सकते हो, कोई भी कलर हो सकता है. मोस्टली उन्होंने पर्पल कलर लिया था, पर्पल कलर, और कुछ बुक्स में रेड भी कलर है, लेकिन कलर फ्लावर और व्हाइट कलर, मतलब कलरलेस वहां लिख सकते हो और व्हाइट कलर. फ्लावर की पोजीशन, एक्साइल एंड टर्माइनल. फ्लावर की पोजीशन, एक्साइल एंड टर्माइनल. ठीक है, ओके. हाइट ऑफ स्टेम में टॉल, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, ये जो लिखा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है. स्टेम की हाइट में कौन सा डोमिनेंट कैरेक्टर है? टॉल इज अ डोमिनेंट, डॉर्फ इज अ रिसेसिव. सीड के कलर में येलो डोमिनेंट, ग्रीन रिसेसिव, बट पॉड के कलर में ग्रीन डोमिनेंट, येलो रिसेसिव. ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा कैरेक्टर फ्लावर गार्डन पी का नहीं है. पॉड कलर का येलो कैरेक्टर डोमिनेंट है, रॉन्ग या इनकरेक्ट या करेक्ट स्टेटमेंट? पॉड का येलो कलर डोमिनेंट है, रॉन्ग, करेक्ट. इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट के लिए पूछा जाता है रिस्पेक्टिव कलर्स और इसमें कैरेक्टर्स, तो ये कैरेक्टर आपको याद रहने चाहिए.
सीड कलर येलो डोमिनेंट ग्रीन रिसेसिव, ये ध्यान में रखना है, दूसरा आपको ध्यान में ऑटोमेटिकली आ जाएगा ओके, क्योंकि ये क्रॉस हमें इन डिटेल है येलो राउंड ग्रीन व्रिंकल वाला, ठीक है। सीड का शेप राउंड शेप और रिंकल मतलब श्रिंकिंग स्लाइटली श्रिंकिंग शेप वाले सीड्स। पॉड कलर ग्रीन डोमिनेंट येलो रिसेसिव। पॉड का शेप इनफ्लैटेंड, मतलब मार्केट में आपने बहुत बार इस तरह के पी देखे होंगे जो कि ऊपर से आपको स्लाइटली प्लेन दिखाई देते हैं और कुछ आपको इस तरह के दिखाई देते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ कंस्ट्रिक्टेड, ठीक है। इनफ्लैटेंड मतलब उनका फ्रूट का ऊपर वाला जो कवर होता है वो प्लेन होता है इनफ्लैटेंड, और स्लाइटली अगर टूथ्ड मार्जिन है कंस्ट्रिक्शन दिख रहा है उसके ऊपर तो कंस्ट्रिक्टेड, इनफ्लैटेंड एंड कंस्ट्रिक्टेड। कलर व्हाइट इन कलर। एक्सहेल मतलब एक्सिस पोजीशन पर, और टर्माइनल यस एक्सहेल मतलब एट द टॉप, एक्सिस पोजीशन पर बट एट द टॉप, और टर्माइनल मतलब ब्रांचेस के ऊपर ओके।